हेलो एवरीवन, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एवरेज टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन हमारा 51 ये है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। कल की डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह आता है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये देख लो कि जो व्यक्ति गया है वो कितने केजी का है। आपने देखा जो जाने वाला है वो 56 केजी का है। अब इनकी जगह अगर नया आता और वो भी 56 का होता तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति इससे ज़्यादा का है 56 प्लस, और 8 व्यक्तियों में अगर 2.5 के हिसाब से बढ़ेगा तो टोटल बढ़ जाएगा 20। ओके, 20 को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 76। जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 76 केजी का है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है। मैंने आपको बताया कि जाने वाला कितने का, ये पहले देखो 60 का। अब कोई व्यक्ति आता है 60 से ज़्यादा का होगा, जभी तो औसत बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे 8 × 1.5 का मतलब होता है 1.5। ठीक है, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 15 × 120 12 आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 72। इसका मतलब जो नया नाविक आया है वो 72 केजी का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का शिक्षक सेवानिवृत्त होता है। इनमें 60 साल का व्यक्ति जा रहा है और उसकी जगह 30 साल का व्यक्ति आ रहा है, तो बीच में गैप कितने का आ रहा है, 30 वर्ष का गैप आ रहा है, और ये 30 वर्ष का जो अंतर आ रहा है ये इफेक्ट कितने लोगों पर पड़ेगा, ये 30 लोगों पर पड़ेगा, तो एक व्यक्ति पर इफेक्ट आएगा एक वर्ष का, तो एक वर्ष की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, 53 का डी। ओके, जब समूह में से कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, देखिए जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल होगा, 5 संख्याओं का औसत एन है, न्यू 2 नंबर मिला दिए जाते हैं, तो पूछा गया है कि औसत में कितने की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर 3 कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट होता है प्राकृत संख्या के लिए, दूसरा कंसेप्ट होता है सम संख्या के लिए, और जो सम संख्या के लिए होता है, जो सम संख्या के लिए होता है वही विषम संख्या के लिए कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जितनी संख्याएं जोड़ेंगे उसका आधा औसत बढ़ता है, और यहाँ पर जितना जोड़ते हैं, जितना जोड़ेंगे प्लस करेंगे उतना ही बढ़ेगा, है ना, जितना प्लस करेंगे उतना ही बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर कितनी संख्याएं जोड़नी है, 2, लेकिन ये संख्याएं आपकी कैसी हैं, क्रमिक हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आया है कि ये तो बताया ही नहीं गया है कि ये प्राकृत है या सम है या विषम है, तो आप देख सकते हैं जो क्रमिक संख्याएं हैं वो प्राकृत के अंतर्गत मानी जाती हैं। हालांकि क्रमिक सम भी होती हैं और क्रमिक विषम भी होती हैं, लेकिन अगर कुछ बोला ना जाए तो वो प्राकृत ही होंगी। इसलिए हम कितनी संख्याएं जोड़ रहे हैं, 2, तो हमारा औसत कितना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा, आधा का 2 का आधा कितना होता है, 1 बढ़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट हमारा, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत बताइए। देखिए इसके लिए कल ये कंसेप्ट हम आपको बता चुके थे कि 30 का औसत 40 और 40 का औसत 30 है, तो आप इनके बीच की कोई एक संख्या डिसाइड कर लो, जैसे कि आपने 35 डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, ये देखिए प्लस का 5 और ये देखेंगे आप माइनस का 5, 3×5=15, ये आ जाएगा प्लस का 150 और ये आ जाएगा 5×20 माइनस का 200, यहाँ से रिजल्ट आएगा माइनस के 50, माइनस के 50, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 50 आया है इसको जोड़ देना है, ठीक है ना, ये आपका टोटल हो जाएगा 70, आपको 70 से भाग दे देना है, तो यहाँ पर आपका माइनस के 5/7 आ जाएगा, मतलब आपको इसमें से 5/7 माइनस करना है, आपने जो सोचा है वो ज़्यादा सोच लिया है। तो देखिए जब आप 35 में से 5/7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34 सही 2/7, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, ठीक है ना, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले अन्य 5 बक्से चढ़ाए गए, ठीक है, जिसमें सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 केजी हो गया। देखिए पहले 50 बक्से थे, 5 और लेके आए तो टोटल आपके पास 55 हो गए, इन 55 का औसत हो गया 95,
जो पांच चढ़ाए थे इनका था 105 और जो 50 है इनका पता नहीं। ये डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस मिलेगा 10 और इस डिफरेंस का भी कुछ पता ही नहीं है। देखिए ये डिफरेंस मिल रहा है 10, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 10 × 5 = 50, ठीक है ना। अब ये 50 किसका आ गया, प्लस का। यहाँ पर मुझे एक ऐसा डाटा मानना है जिसका अंतर निकालें, और अंतर निकालने से यहाँ पर भी माइनस का 50 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस का अगर 1 होता है तो माइनस 1 का 50 में गुणा होगा तब जाके ये माइनस का 50 आएगा। तो माइनस होने का मतलब है 95 से कम कर दो, यहाँ पे 94। इसका मतलब जो 50 बक्से थे उनका औसत भार जो था 94 किलोग्राम था, ठीक है। 8 छात्रों का औसत 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें दो नए छात्र शामिल होते हैं, ओके। देखिए 144 और 155 को जोड़ते हैं तो 299 होता है। ये इतनी सेंटीमीटर के लोग शामिल हो रहे हैं। अगर हम औसत के हिसाब से देखें तो हमें टोटल मिल रहा है 304। 304 के अगर शामिल होते तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन कम के हो रहे हैं तो औसत कम हो जाएगा। कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। और देखिए यार दो लोग आ रहे हैं तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, दो लोग आ रहे हैं तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो इफेक्ट आ रहा है 5 का वो 10 लोगों में पड़ेगा, तो एक लोगों में इफेक्ट आएगा 0.5 का, मतलब 0.5 की कमी आएगी। तो आपका जो औसत है 152, ये 0.5 कम हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 151.5, ठीक है ना। आपका सी ऑप्शन सही आंसर है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 30 परिणामों का औसत 20 है। हम लोग लिख लेंगे 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। मैंने कहा था इनके बीच का कोई भी नंबर आप अपने मन से डिसाइड कर लो, जैसे कि 25, ये -5, ये +5। देखिए 3 × 5 = 15, ये आपका आ जाएगा 150 और 20 × 5 = 100। यहाँ से रिजल्ट आ रहा है -50। ये -50 है ना, आप 50 को जोड़ के भाग कर दो यहाँ से, यानी कि टोटल जो औसत इफेक्ट आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 25 में से -1 कम कर देंगे, अर्थात आपका उत्तर आ जाएगा 24, ठीक है। दो संख्याओं का औसत 8 है, आप देख सकते हैं दो संख्याओं का औसत 8 है, तीन संख्याओं का औसत 3 है। आप बीच की कोई संख्या मान लो, ये देखो +3, ये -2। देखो 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, ये आपका फाइनली रिजल्ट क्या आया, 0। जब आपका रिजल्ट 0 आ जाए तो आपके द्वारा जो एट रैंडम नंबर सोचा जाएगा यही आपका आंसर है, ओके 5 आंसर होगा। एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिए 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष के आयु के दो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। अब देखिए 19 और 20 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 39। अगर हम 14 के हिसाब से देखते हैं तो हमें मिलना चाहिए था 28, आ रहा है 39। कितना ज़्यादा आ रहा है आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है 11 वर्ष ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, जो 20 थे अब संख्या हो जाएगी 22। तो जो औसत बढ़ेगा वो 11, जो औसत बढ़ेगा वो 22 लोगों में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 22 लोगों में जो औसत बढ़ेगा वो बढ़ेगा 0.5, ठीक है ना। तो आपका जो पुराना औसत था वो बढ़ के आपका हो जाएगा 14.5, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ओरल हो जाएगा। 9 क्रमिक औसत संख्याओं का, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें दो अगली संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना बढ़ जाएगा। अभी भी मैंने बताया कि जब प्राकृत संख्याओं में आप बढ़ाएंगे तो हमेशा आधा बढ़ता है। मैं कहने का मतलब हुआ, अगर आप दो संख्याएं जोड़ेंगे तो औसत 1 बढ़ेगा, 4 संख्याएं जोड़ेंगे तो औसत 2 बढ़ेगा, ऐसा होता है प्राकृत संख्याओं में। और यहाँ पर प्राकृत संख्याएं ही हैं क्योंकि 9 क्रमिक बोला गया है इसलिए प्राकृत है। अगर प्राकृत नहीं होती तो सम या विषम बोला जाता, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 1 की वृद्धि होगी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 62 नंबर का अच्छा कंसेप्ट है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। देखिए इसमें हमारा बहुत अच्छा कंसेप्ट ये लगता है कि जैसे 15 मैचों का है तो ये तो हमारा कॉमन हो जाएगा जो दोनों में है। 10 मैचों का औसत है 45 और जो 5 मैच है उनका औसत मुझे पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अंतर आपको मिलेगा, देखिए 7, 5, 12 मिलेगा और ये अंतर आपको भी पता ही नहीं है। तो आप जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120। देखिए प्लस के 120 आया है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको माइनस का 120 चाहिए तभी आपका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि ये तो आपका औसत फिक्स है। तो ये 120 लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 24। ये 24 आने का मतलब ये है कि यहाँ पे अंतर है ना, ये 24 आना चाहिए, तभी तो 24 का 5 में गुणा होकर 120 आएगा। तो 33 में से 24 घटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए जो कंसेप्ट मैंने अभी लगाया था यही वही कंसेप्ट फिर से लगाते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है, इसे बीच में लिख लेंगे। 5 संख्याओं का औसत 12 है। अब देखो
20 में से 5 चलेगी, बची कितनी 15। 15 संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये अंतर देखेंगे, ये आएगा माइनस के 3, ये अंतर अभी पता नहीं है। 5 3 15, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका माइनस के 15 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस के 15 आना चाहिए। प्लस के 15 यहाँ तभी आएगा जब 15 में आप गुणा करेंगे, तभी तो आएगा। तो यहाँ पर आपका अंतर आना चाहिए प्लस का 1, प्लस का 1 आएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 16। ये 16 होगा, ये 15, प्लस का आएगा 1, 15 एकम 15, आपका कट के सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 16 आंसर हमारा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन का औसत है 60, देखिए एक ए सेक्शन है उसका औसत है 60 और उसमें 40 छात्र हैं, यहाँ बता भी दिया गया है 40 छात्र हैं। दूसरा सेक्शन है उसका औसत मालूम नहीं है और टोटल 100 छात्र हैं, और इसका मतलब दूसरे सेक्शन में 60 छात्र होंगे और कुल औसत 72 है, ये वाला हमसे पूछा है। ये अंतर देखेंगे, माइनस के 12 आएगा, ये अंतर भी नहीं बता सकते। 12 चौक 48 480, आप देखिएगा इधर भी माइनस का प्लस का 480 बनाना होगा, प्लस का 480 बनाना है तो आप 60 का भाग देंगे, 6 8 48, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका अंतर 8 आना चाहिए। अगर 8 अंतर आएगा वो भी किसका, प्लस का, तो 72 में 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, इसका मतलब दूसरे सेक्शन में औसत होगा 80, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, आप क्या करेंगे 50 संख्याओं का औसत 38 लिख लेंगे। 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाती हैं, देखिए 45 और 55 को अगर निकालेंगे तो टोटल निकलेगा 100, जबकि 38 के हिसाब से निकलता तो निकलता आपका 76, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा निकल रहा है, 24 ज़्यादा निकल रहा है। और ये इफेक्ट वैसे तो 50 संख्याएं थी, जब ये 2 संख्याएं निकल जाएंगी तो संख्याएं रह जाएंगी 48, तो ये इफेक्ट 48 संख्याओं में पड़ेगा और ये इफेक्ट आएगा आपका 0.5, मतलब हमारे पुराने औसत में 0.5 की कमी आ जाएगी, तो हमारा नया औसत हो जाएगा 37.5, ठीक है। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 है। देखिए एक क्लब है तो इसमें मेल और फीमेल और सी फॉर क्लब, पूरे क्लब की औसत देखी जाए तो 30 है, मेल की देखी जाए तो 34 है और फीमेल की देखी जाए तो 26 है, तो ये अंतर आप देखेंगे प्लस के 4 आएगा, ये अंतर आएगा माइनस के 4, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार पुरुषों सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू बराबर है इसलिए यहाँ रेशियो आएगा 1:1, और अगर रेशियो 1:1 आएगा तो यहाँ पर आपका परसेंटेज भी बनेगा 50-50, यानी कि 50% पुरुष 50% महिलाएं, ठीक है। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, आप देखिएगा पूरा चैप्टर में ऐसे ही सॉल्व करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। पूरे स्टाफ का, स्टाफ की जो सैलरी है वो है औसत सैलरी 6000, उसमें 12 अधिकारी हैं उनकी औसत सैलरी है 40000, और शेष जो कर्मचारी हैं रिमेनिंग इनकी 5600, ठीक है। अंतर देखेंगे, ये अंतर मिलेगा 34000, ये अंतर मिलेगा आपको माइनस के 400, ये प्लस के 34000, ये माइनस के 400। अब आप देखो यहाँ गुणा करेंगे 0 0 0, 12 चौक 48 की 8, हासिल में 4, 12 3 36 36 और 4 आपका हो जाएगा 40, यहाँ आ रहा है आपका 408000। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 408000 बनाना है, तो आप क्या करेंगे 40 इसमें आप भाग कर देंगे 400 का, तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 1020 हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो रिमेनिंग लोग हैं वो 1020 हैं, रिमेनिंग लोग हैं वो 1020 हैं, तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए 1020 ये और 12 ये, तो हो जाएगा 1032, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए 100 कामगार हैं उनकी औसत सैलरी दे रखी है 36.5, देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल, मेल का औसत दे रखा है 45 और फीमेल का दे रखा है 28, आप ये डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ये अंतर आएगा 8.5, ये भी अंतर आएगा 8.5, दोनों के बीच डाटा सेम है, रेशियो सेम है, इसलिए 100 लोगों में से 50 पुरुष होंगे 50 महिलाएं होंगी, 50 आंसर सही होगा, ठीक है। छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिनके औसत अंक 25 और 40 है, समस्त औसत मिलकर 30 हो गया, कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए जो पूरी क्लास है, क्लास का एवरेज तो दे रखा है 30, जो ए और बी
दो कक्षाएं हैं, एक का दे रखा है 25, एक का दे रखा है 40। आप ये डिफरेंस देखेंगे 10 आएगा और ये डिफरेंस 5 आएगा, यहाँ पे काट देंगे तो रेशियो आ जाएगा 2:1, 2:1। ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। देखिए पूरे क्लास की औसत है 15.8, लड़कों की औसत आयु देखो बॉयज हैं इनकी है 16.4 और जो गर्ल्स हैं इनकी है 15.4। ठीक है ना, अंतर देखेंगे 0.6 और यहां से जो आपको है अंतर मिलेगा 0.4। ठीक है ना, इन्होंने अनुपात पूछा है तो देखिए यहाँ पे क्रॉस कंसेप्ट आएगा 4:6, 2:3। ठीक है ना, 2:3 इज करेक्ट आंसर, जिसका ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 12,000। देखिए 12,000 हम लोग लिख लेंगे बीच में और पुरुषों का है 15,000, यहाँ पे 15,000 लिख लेंगे, महिलाओं का है 8,000, यहाँ 8,000 लिख लेंगे। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 है। देखिए यहाँ पर बॉयज है ना, बॉयज का औसत 12 है और लड़कियों का 11 है, गर्ल्स है ना उनका औसत 11 है। विद्यालय में कुल औसत 11 वर्ष 9 माह है। ठीक है, ये देखिए स्कूल का कुल औसत है 11 वर्ष 9 माह, यहाँ पर अंतर आएगा 3 माह का और यहाँ पर अंतर आएगा 9 माह का। इन्होंने पूछा है संख्या कितनी है, तो आप इस रेशियो को ट्रांसफर कर लेंगे, ये 9:3 आ जाएगा, ये 3:1 आ जाएगा। टोटल हमारे पास 600 है, इन्हें जोड़ देंगे टोटल आएगा 4 का भाग करेंगे, यहाँ से मिलेगा 150। 150 लड़कियाँ हैं और लड़के हैं 450। इन्होंने हमसे लड़कियों की संख्या पूछी थी इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्लास 11th के दो सेक्शन है ए और बी, ए लिख लेंगे बी लिख लेंगे। ए का औसत है 77.5, बी का औसत है 70 और पूरी क्लास का औसत है 74। ये डिफरेंस निकालेंगे, ये मिलेगा 3.5 और ये मिलेगा 4, क्रॉस कर देंगे ये 4 और 3.5, पॉइंट हटा देंगे 0, 5:40, 5:35, ये रेशियो मिलेगा 8:7, सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 60 है और लड़कियों का 45। देखिए यहाँ पर जो हमारे टोटल कैंडिडेट हैं उनका औसत है 50 और जो बॉयज़ हैं बॉयज़ का है 60 और गर्ल्स का है 45। ये डिफरेंस देखेंगे, प्लस का 10 आएगा, ये माइनस का 5 आएगा और देखिए यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं 5:10 यानी कि 1:2। ठीक है ना, टोटल करेंगे 3 आ जाएगा, 180 में हम 3 से डिवाइड करके कैंसिल आउट करेंगे तो 60 आएगा, या देखिए ये 60 आ जाएगा और ये 120 आ जाएगा, हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है। देखिए कंप्लीट औसत है 60, यहाँ पर 12 ऑफिसर हैं उनका औसत है 600 और जो बाकी के व्यक्ति हैं शेष उनका है 56। ये डिफरेंस देखेंगे, ये आएगा 340 प्लस में और ये आएगा माइनस के 4, यहाँ पे गुणा कर देंगे, देखिए 12×4=48, 12×3=36, 4×4=40, ये आपका आ जाएगा 4,080। आपको इधर भी 4,080 करना है तो जब 4 का भाग देंगे ये आपका आ जाएगा 1,020। इसका मतलब शेष जो कर्मचारी हैं 1,020 है, आप इसमें ये जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,032। ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाटा में चेंजिंग है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, देखिए हमको ये बॉयज का रेशियो दे रखा है 71 और गर्ल्स का दे रखा है 73 और पूरी क्लास का दे रखा है 71.8। ये डिफरेंस आएगा आपका 1.2 और ये डिफरेंस आएगा आपका 0.8। यहाँ से काट दोगे 4×2=8 और 4×3=12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:2। ठीक है, कंसेप्ट हमारा ये है कि सभी का औसत 8,000 है, 8,000। 7 कर्मचारी हैं टेक्नीशियन, उनका औसत है 12,000 और जो बाकी के शेष हैं उनका औसत है 6,000। ये अंतर आएगा माइनस के 2,000, ये अंतर आएगा प्लस के 4,000। 7×28, देखिए यहाँ पर प्लस के 28,000 आ गया है, इधर आपको माइनस का 28,000 करना है तभी ये कट के जीरो आएगा, हमें रिजल्ट जीरो लाना है। 2,000 का भाग कर देंगे तो देखिए जब हम 2,000 से यहाँ भाग करेंगे तो 14×28, ये 14 बार भाग चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं 14 बार भाग गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 14 लोग होने चाहिए यानी कि शेष कर्मचारी, लेकिन इन्होंने
कारखाने में कुल लोग पूछे तो 14 और 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, यानी कि 21 हमारा 21 21 हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए 9 संख्याओं का औसत है, इसे हम बीच में लिख लेंगे, और एक तरफ बोला गया 5 संख्याओं का औसत 54 है, इधर लिख लेंगे, और 3 संख्याओं का औसत इधर आपका 52 ही लिख लेंगे। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर इनका टोटल इससे कम होता हो तो हमेशा साइन के अपोजिट सोचते हैं, और इनका टोटल अगर इससे ज़्यादा होता हो तो अकॉर्डिंग टू साइन सोचते हैं, यानी चिन्ह के अनुसार सोचते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये डिफरेंस आएगा प्लस का 4, ये डिफरेंस आएगा प्लस के 2, 5 चौक 20 आ जाएगा प्लस का, और देखिए 3 दूनी 6 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 26, टोटल आ जाएगा 26। अब देखिए टोटल किसका आया है, प्लस का आया है। तो मैंने क्या कहा था, अगर इनका टोटल इससे कम है तो हमेशा साइन के विपरीत सोचते हैं। यहाँ पे प्लस का आया है माइनस, यानी 50 में से हम 26 माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 24। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, और 3 संख्याओं का औसत 35 है। आपने देखा इनका टोटल इससे कम है तो साइन के विपरीत सोचेंगे, ये अंतर माइनस 5, ये अंतर प्लस के 5, 5 पंजे 25, और देखिए 3 पंचे 15, यहाँ पर रिजल्ट आया माइनस के 10। ये माइनस का आया है तो हम इसे प्लस का करेंगे, मतलब 10 को 30 में जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40। साइन के विपरीत चलेंगे अगर इनका टोटल इससे कम आएगा तो, ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ 40 होगा, सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट है 25 संख्याओं का औसत 18 है, 12 संख्याओं का औसत 14 है, और बाकी के 12 संख्याओं का 17 है। देखिए इनका टोटल अभी भी इससे कम है, तो देखिए ये अंतर आएगा माइनस के 4, ये अंतर आएगा माइनस के 1, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, ये देखिए टोटल आ जाएगा माइनस के 60। तो आपको क्या करना है, इसके विपरीत सोचना, अगर ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, क्वेश्चन फिर से आ गया है, 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, यहाँ पे 9 लिख लेंगे और यहाँ पर 32 लिख लेंगे। ठीक है, 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, फिर बोला गया 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है, 4 का 28 है। आप देख सकते हैं इनका टोटल इससे कम है, ये अंतर आपका आएगा, ये अंतर आएगा माइनस के 6, ये आएगा माइनस के 4, ये आ जाएगा माइनस के 24, 4 छिंग 24, और ये आ जाएगा माइनस के 16, ये आपका हो जाएगा माइनस के 40। ठीक है ना, 40 को क्या करोगे, 32 में जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 72 72। मैंने फिर से बताना है इनका टोटल अगर इससे कम है तो हमेशा इसके विपरीत सोचना है, इनका टोटल इससे ज़्यादा है तो हमेशा अकॉर्डिंग टू साइन सोचना है। जैसे कि अगर प्लस का होता तो प्लस करेंगे, माइनस का होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन अभी अभी इनका टोटल कम है इसलिए क्या किया, चिन्ह के विपरीत चले हम लोग। ठीक है, देखिए 11 संख्याओं का औसत है 20, प्रथम 5 का 25 और अंतिम 5 का 28। ये अंतर देखेंगे प्लस का 5, ये अंतर देखेंगे माइनस का 8, 5 पंजे 25 प्लस के और 8 पंजे 40, रिजल्ट आएगा माइनस के 15, इसको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 35। ठीक है ना, 11 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है और बाकी की 5 संख्याओं का औसत 28 है। ये देखिए माइनस के 5, माइनस के 2, ये माइनस के 25, ये माइनस के 10, टोटल आ जाएगा माइनस के 35, 35 को उसमें जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 65। ठीक है, किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी की औसत 15 है, देखिए 15 विद्यार्थियों की औसत 15 है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, अब तक तो आपके समझ में आ भी गया होगा और आप सीख भी चुके होंगे। ठीक है ना, देखो 9 और 5 14, इनका टोटल कम है, ये अंतर देखो माइनस एक, ये डिफरेंस प्लस के 1, 5 एकम 5, माइनस के 5 आ जाएगा, प्लस के 9 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस के 4। आपको क्या बताया था, अगर इनका टोटल इससे कम हो तो चिन्ह के विपरीत सोचिए, तो 4 को उल्टा यानी माइनस का, तो 15 में से 4 घटा दीजिए तो उत्तर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, देखिए सेम कंसेप्ट है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं प्रथम 3 का औसत, देखिए 3 का औसत 12 है और अंतिम 3 का औसत 18 है, आपको बीच की संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या बताया, टोटल संख्या कितनी है 5, इनका औसत आपको दे रखा है कितना 15, इनका टोटल देखो 3 और 3 6 हो रहा है और जबकि कितना है 5। तो अब देखो इसका तरीका, यहाँ पे घटाएंगे माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3, 3 3 9 और ये आपका 3 3 9, सब कुछ कट के क्या आ गया है 0, 0 आ गया है, तो ना कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, हमारा उत्तर सही है, 0 आ गया है, तो फिर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ना इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना घटाएंगे, 15 ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है,